त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बुधवार को दूसरे चरण के उम्मीदवारों को निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया। चुनाव चिन्ह मिलते ही प्रत्याशी रेस हो गए और निर्वाची कार्यालय से निकलते ही अपने समर्थकों को आवंटित चुनाव चिन्ह की जानकारी मोबाइल से देते दिखे। वहीं कई प्रत्याशी अल्फाबेटिकल नंबर के आधार पर क्रम संख्या व चुनाव चिन्ह आवंटित होने का अनुमान लगाते पहले चरण के मिले उम्मीदवारों के आधार पर लगाते हुए अपना तय कर लिया था, जो सही हुआ। ये पंचायत निर्वाचन का द्वितीय चरण का गुमला, घाघरा और बिशुनपुर, गुमला में दो, घाघरा में दो और बिशुनपुर के एक जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज प्रतीक आवंटन का तिथि है और उम्मीदवार सब आए हुए हैं और प्रतीक आवंटन किया जा रहा है, जिसमें बिशुनपुर से 7 उम्मीदवार में 2 नहीं आए हैं, गुमला पूर्वी में भी 2 नहीं आए हैं, 4 में से 2, गुमला मध्य में 3 में, 4 में 1 नहीं आए हैं, गुमला उत्तरी से 1 नहीं आए हैं, बाकी सभी लोगों ने 6 आए, 3 बजे तक चलता है। सभी उम्मीदवारों को जो निर्वाचन से संबंधित निर्देश है उनके लिए एक पुस्तिका भी है, इस पुस्तिका को भी दिया गया है ताकि वो पढ़ लें, जिसमें आदर्श आचार संहिता ऐसे वो निर्वाचन व्यय से संबंधित जो पंजी दी गई है उसका संधारण करेंगे। ये सारी बातें बताई गई है, IPC की बहुत सारी धाराओं के बारे में उनको जानकारी दिया गया है कि अगर क्या क्या ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत आप अगर उल्लंघन करते हैं कार्रवाई भी होगी, तो ये सारी बातों को डिटेल में बताया गया है। संपूर्ण हम लोग अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।